जय जगन्नाथ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय श्री जगन्नाथ आपका और आपका परिवार का भला करें। मैं दिलीप आपको स्वागत करता हूं और एक ग्रेट लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आपको तो पता है हमारा जो मनुष्य जीवन है वो है नंबर वन, लेकिन नंबर वन होने के बावजूद हमारा मनुष्य जीवन में इतना प्रॉब्लम्स, इतना अशांति क्यों है। दोस्तों भगवान जो हमारा मनुष्य को बनाए हैं उसका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य मनुष्य नहीं करता, वो कुछ दूसरा करता है। जैसे कि भगवान ने मनुष्य को बनाया है कि सब अच्छा करने के लिए, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, लेकिन मनुष्य उसका उल्टा करता है। बुरा देखता है, बुरा सोचता है, बुरा बोलता है, बुरा सुनता है, बुरा काम करता है, और ये बुरा करने में उसको बहुत आनंद आता है, उसको मजा आता है। इसलिए वही होता है प्रॉब्लम हमारा मनुष्य जीवन में, दुख, कष्ट, अशांति, प्रॉब्लम्स आ जाता है। तो उसका रूट कॉज क्या है? उसका रूट कॉज होता है हमारा जो हैबिट, हमारा जो बैड हैबिट्स होता है, हमारा जो छोटे छोटे गलतियाँ होते हैं, उसके कारण ये सब प्रॉब्लम आ जाता है। अगर आज का दिन में हम कुछ बुरा काम करते हैं, गलत हैबिट करते हैं, तो धीरे धीरे जाके कुछ साल के बाद वो एक बड़ा आकार लेता है और वो एक बम ब्लास्ट होता है। ऐसे ही अगर हम आज कुछ अच्छा काम करते हैं तो वो भी 5-10 साल के बाद जाके एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट देता है। ये तो हमारा किस किस का एक्सपीरियंस जरूर होगा। दोस्तों जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, आज का कोई छोटा बच्चा है, अगर हमको पता है कि वो ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, अगर हम उसको बोलते हैं बेटा इतना क्रोध अच्छा नहीं है, लेकिन वो बोलता है मैं तो बच्चा हूँ, आज क्रोध करता हूँ, कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा ना। लेकिन अगर वो छोटा बच्चा वो उसको करेक्शन नहीं किया, वो बोला हाँ तो छोटा तो हूँ, क्या हो जाएगा, कुछ बड़े होने के बाद मैं करेक्ट कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो छोटा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा 5-10 साल के बाद, उसका जो क्रोध है उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद वो जो युवक बन जाता है उसका लाइफ में प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि हमको तो पता है जो क्रोध है वो अच्छा क्वालिटी नहीं है। ऐसे ही कोई अगर हमारा अच्छा काम करते हैं तो वो भी 5-10 साल के बाद एक अच्छा रिजल्ट देता है हमको। ऐसे मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो कहानी को पूरा लास्ट तक सुनिए ताकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो कहानी इस प्रकार की है, एक युवक था, उसका एक खेत था, जमीन था, उसमें वो डेली खेतबाड़ी करता था। उसका जो युवक का जो घर था और वो खेत था, उसके बीच में एक बड़ा बाउंड्री वॉल था, और युवक जब पैदल में चल के जाता था वो बहुत दूर घूम के पैदल में जाता था, और उसका बहुत टाइम वेस्ट होता था। तो वो सोचता था वो 5 साल से ऐसे ही पैदल में चल के जाता था, टाइम वेस्ट होता था, वो सोचता था मैं क्या करूँ, कैसे वो बाउंड्री वॉल को हटाऊँ। कुछ दिन के बाद उसका गुरुदेव उसका घर को आए और गुरुदेव बोले और शिष्य कैसे हो, सब ठीक ठाक है। वो बोला गुरुदेव मेरा एक समस्या है, ये जो बाउंड्री वॉल है उसको, इसलिए मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो गुरुदेव बोले काम करो, डेली तुम जब जाते हो कल से एक हैमर लो और डेली 2-2 इंच वहाँ से निकालो, थोड़ा तो कष्ट होगा लेकिन निकालो डेली 2-2 इंच, और बोल के गुरुदेव चले गए। तो वही युवक वही काम करने लगा। उसके बाद जब 1 साल के बाद गुरुदेव आए, देखे कि वहाँ पर वो बाउंड्री वाले नहीं है, जब वो उसको पूछे कैसे हो, वो युवक वाला बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों उसमें क्या सीखने को मिला है कि 1 साल के बाद एक 2-2 इंच जाके एक एक दिन में पूरा चला गया, डेली ओनली 2 इंच। तो ऐसे ही होता है हमारा हैबिट्स, कुछ भी अगर हम अच्छा करते हैं थोड़ा थोड़ा अच्छा, बाद में जाके बहुत अच्छा होता है। अगर बुरा करते हैं थोड़ा थोड़ा बुरा जाके बाद में बम ब्लास्ट होता है, क्योंकि सही है ना। हमारा लाइफ में हमको क्या चाहिए, एक अच्छा हेल्थ,
एक अच्छा स्पिरिचुअल लाइफ, मेटेरियल लाइफ, जो भी हमको चाहिए एक अच्छा सा बैलेंस होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर हमारा हैबिट प्रॉपर नहीं होता है और अगर हम गलती ज़्यादा धीरे 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 करते हैं तो हमको खुशी नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला है कि हमारा अगर कुछ बैड या गलत हैबिट्स हैं वो हमको ही पता है तो हम उसको तुरंत कन्वर्ट करना चाहिए टू गुड हैबिट, उसको छोड़ देना चाहिए। गलत हैबिट, गलत काम, सब कुछ छोड़ देना चाहिए, नहीं तो हमारा हेल्थ इफेक्ट होगा, हमारा लाइफ इफेक्ट होगा, स्पिरिचुअल लाइफ, मेटेरियलिस्टिक लाइफ, सब कुछ इफेक्ट होगा। जीवन में अशांति, दुख, प्रॉब्लम्स होगा। अगर वो सब हम छोड़ देते हैं, हमारा ज़िंदगी पूरा खुश हो जाएगा और ज़िंदगी हमारा प्रॉस्परस हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ।